मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संसद भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने सशक्त उत्तराखंड 25 के क्रम में राज्य सरकार के रोड मैप को साझा करते हुए प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम आने के लिए भी आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को बताया कि सशक्त उत्तराखंड 25 थीम पर नवंबर माह में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के सभी वरिष्ठ अधिकारी सहित मंत्रीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। आज मैंने उनसे भेंट करी थी, उसमें हमारे प्रदेश के अंदर क्योंकि जल विद्युत के क्षेत्र में अपार संभावनाएं जो हमारे प्रदेश के लिए हैं, और जब प्रदेश बन रहा था उस समय भी इसके केंद्र बिंदु में सबसे अधिक जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के लिए ज़रूरी था वो था हमारे यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों में बहुत प्रगति इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं पर माननीय उच्चतम न्यायालय का और कई मंत्रालयों के आपसी जो निपटारे होते हैं, जो उनके आपसी समन्वय न हो पाने के कारण से यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है, उनके सलाहकार के स्तर पर वो बैठक जल्दी करी जाए, जिसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सभी उसमें सहभागी होती हैं। और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कार्य करने की हमको सहमति मिल जाएगी, इसमें जल विद्युत परियोजनाएँ बनाने की सहमति मिल जाएगी, तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में होगा। और इसके साथ साथ जो भारत नेट है, लगभग अभी 600 गांवों को भारत नेट की हमारी जो फेज़ टू में सुविधा मिलनी है, वो सुविधा अभी तक हमको प्राप्त नहीं हो पा रही है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि वो सुविधा भी हमको जल्दी मिलेगी, तो दूरस्थ के क्षेत्रों में जहाँ पर हमारे तमाम जगह पर इंटरनेट की सुविधाएँ हैं, ऑनलाइन जो क्लासेज हैं, उन सभी लोगों को जो है बहुत बड़ी सहायता मिलेगी, तो इन सब पर मैंने अनुरोध किया। साथ ही साथ जो पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे यहाँ पर माड़ा गांव, जिसको भारत के पहले गांव की संज्ञा दी, उसी प्रकार से हमारे कुछ गांव और भी हैं, उन सभी गांवों को स्वदेश दर्शन योजना में, भारत सरकार की जो केंद्र पोषित योजनाएं हैं उन योजनाओं में सम्मिलित करने का भी उनसे मैंने अनुरोध किया है। आप भी किए हैं, और किस तरह से देखिए वहाँ संसद के जो हमले में शहीद हुए थे हमारे जवान वीर सैनिक, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। और चूँकि आज मैं दिल्ली में था, संसद भवन में था, तो मैंने उनके चित्रों पर जाकर वहां पर पुष्पांजलि की है। हम उन सभी का स्मरण किया है, वो हमेशा हमारे लिए, हमारे दिल में, हमारे देश में हमेशा अमर रहेंगे, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है भारतीय सेना ने, और असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि सरकार सही जानकारी नहीं दे रही है। देखिए, कुछ लोग हमेशा सैनिकों पर, देश की सेना की वीरता शौर्य पराक्रम पर हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। इन लोगों के लिए देश से ज़्यादा अपनी राजनीति है, इसलिए ऐसे लोगों पर मैं बहुत